स्वागत है जी तुहाडा सारे दा इलैक्ट्रिकल सेफ्टी चैनल विच। अज दी वीडियो विच असी स्टार डेल्टा दी पावर वायरिंग करांगे। असी तुहानू दस दिंदे आ कि असी इस दी जो कंट्रोल वायरिंग है स्टार डेल्टा दी कंट्रोल वायरिंग, इस उपर असी एक वीडियो पहला ही बना दित्ती हुई है। इसका असी लिंक डिस्क्रिप्शन विच दे देवांगे और लास्ट साडी वीडियो दे लास्ट विच भी इसका लिंक तुहानू मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करन तों पहला जेकर तुसी वीडियो विच नवे हो तां प्लीज़ वीडियो नू लाइक करना और चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं इस दे नाल ही असीं अपनी वीडियो। जिस तरह कि इस विच असीं तीन कॉन्टैक्टर लाए हुए हैं और एक MCB लिया हुआ है। इस जो कॉन्टैक्टर है और MCB तुसीं अपनी मोटर के अकॉर्डिंग ही लाओ, नहीं तो तुहाडी मोटर खराब हो सकती है जां तुहाडा कॉन्टैक्टर खराब हो सकता है। ठीक है जी, इस विच असीं MCB लिया हुआ है। ये साडे तीन कॉन्टैक्टर है। ये पहला कॉन्टैक्टर साडा मेन कॉन्टैक्टर है, ये साडा डेल्टा और ये स्टार। ठीक है जी, असीं इस दी वायरिंग कंट्रोल वायरिंग पहला ही कीती हुई है जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया है। हुण असीं इस दी पावर वायरिंग करांगे। ठीक है जी, पावर वायरिंग वास्ते असीं किस तरह करांगे। असीं पावर वायरिंग साढ़े MCB दे इनपुट विच लाइन आई, ठीक है जी, आउटपुट तो असीं लाइन लवांगे। ठीक है जी, लाइन वास्ते असीं R, Y और B ये तीन फेस लवांगे। ठीक है, जिस तों असीं अपने MCB तो आउट करके अपने मेन कॉन्टैक्टर दे उपर वाले तीन टर्मिनल विच दे देवांगे, एक R, Y, B। ठीक है जी, चलो असीं इस नूं लगा के तुहानूं दिखाउंदे आं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MCB ਤੋਂ RYB ਲਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੈਲਟਾ ਕੰਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ 1, ਲਾਈਨ 2 ਔਰ ਲਾਈਨ 3। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੂਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਸੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਕੰਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਕੰਟੈਕਟਰ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਲੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਹੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਸੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਵਾਇਰ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੰਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰ, ਵਾਈ ਔਰ ਬੀ ਤਿੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ।
असी 3 नंबर कंडक्टर दे विच वी असी पावर वायरिंग लूप कर दित्ती। हुण असी 3 नंबर कंडक्टर नूं आपां स्टार बनावांगे। इस दे लई असी इस तरीके नाल इस नूं लूप कर लवांगे, मतलब शॉर्ट कर देवांगे आपां तिन्नां फेसां नूं शॉर्ट कर देवांगे इस तरीके नाल। सो इस तरीके नाल साडा जो स्टार डेल्टा कनैक्ट पावर वायरिंग है कंप्लीट हो चुकी है। हुण इस विच की समझण लायक गल है, जो साडा मेन कॉन्टैक्टर है ये साडा सब तो पहला ओपरेट होएगा। इस विच असी एक जो मोटर की 6 वायर होंदियां ने, इन्हां 6 वायर 3 वायर जो है साडे मेन कॉन्टैक्टर विच आउणगियां और 3 वायर जो है इस डेल्टा कॉन्टैक्टर विच आउणगियां। ठीक है जी, सब तो पहला ये मेन कॉन्टैक्टर ओपरेट होएगा, उस तो बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर ओपरेट होएगा। इस दे नाल असी एक रिले भी लगावांगे। ये रिले तुसी अपने मोटर के अकॉर्डिंग ही लगायो। यह रिले तुहानू शॉर्ट सर्किट जां ओवरलोड तो बचावेगी। ठीक है जी, सो ये है साडी स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग। सो उम्मीद है कि तुहानू ये साडी वीडियो चंगी लगी होगी। जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो और वीडियो नूं शेयर जरूर करो। मिलते हैं इस दे नाल ही अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।